एक नेचुरल रेमेडी आपको बताती हूँ जिससे आपके परमानेंट जो है ना हेयर्स, फेशियल हेयर्स खत्म हो सकते हैं अगर आप ये लाजमी यूज करें हर हफ्ते बना के, तो आपके बाल वाकई ही खत्म होंगे। और ये मैं खुद यूज कर चुकी हूँ, दैट्स व्हाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह का एक एवरीडे या नीडो पैकेट आता है 10-20 का ले लें, और उसमें आपने ग्राम फ्लोर डालना है, यानी कि बेसन आपने 2-3 चम्मच या अपने ही आपने जितना आपने यूज़ करना है क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, आप ज़्यादा या कम कर सकती हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, नीडो या एवरीडे या कोई भी अगर आपके पास पाउडर मिल्क है, अगर आपके पास पाउडर मिल्क नहीं है तो आप रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध भी यूज़ कर सकती हैं। आपने इस तरह 1/2 चम्मच या 1 चम्मच आपने इसमें यूज़ कर लेना है मिल्क। अगर आप रॉ मिल्क यूज़ कर रही हैं तो ध्यान रखिए इस बात का कि आपने इसको इतना ज़्यादा जो है ना बिल्कुल पतला सा, पतली सी फॉर्म में नहीं बनाना। अच्छा, मैंने अब इसमें आलमंड ऑयल भी यूज़ किया है ताकि अगर जिनकी लड़कियों की स्किन ड्राई है ना, तो उन लड़कियों की और ड्राई ना हो स्किन, इसलिए आलमंड ऑयल इसमें लाजमी। जिनकी स्किन अगर ड्राई है और बहुत ज़्यादा ही ड्राई है ना, तो लाजमी आलमंड ऑयल या फिर विटामिन ई कैप्सूल या फिर कोई भी कोकोनट ऑयल इसमें लाजमी यूज़ करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसको पतली फॉर्म में मैं आपको फिर बता रही हूँ कि नहीं बनाना, वरना बालों की बिल्कुल भी ये ना बालों को नहीं उतारेगा। जैसे पिल ऑफ मार्क्स होते हैं ना जो रिमूव करते हैं हेयर्स को, ये बिल्कुल वैसा काम करेगा अगर आप इसको इस तरह की फॉर्म में बनाएंगे तो। अब आपने इसको अप्लाई करना है, आपने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे, अपने लेग्स पे, आप जहाँ भी बाल रिमूव करना चाहती हैं आप इसको लगाएं। आप इसको लाजमी वीक में 1-2 दफ़ा लाजमी इसको यूज़ करें। अच्छा, बालों पे इस तरह लगा के अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ड्राई होने दें। जब ये हो जाएगा ड्राई, कम अज़ कम 20 मिनट तो उसको लगा रहने दें। उसके बाद इस तरह इसको मसाज करके, हल्के हाथों से मसाज करके, गीला नहीं करना, हल्के हाथों से मसाज करके उतारेंगी तो आपको वाजह नज़र आएगा कि आपके बाल उतर रहे हैं।